नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पावर कॉरपोरेशन के विजिलेंस ड्यूटी में लगी एक कार कांवड़ियों के लिए आरक्षित लेन में घुस गई। इस दौरान इस कार ने अपनी लेन में चल रहे कई कांवड़ियों को टक्कर भी मार दिया। इससे गुस्साए कांवड़ियों ने न केवल बुरी तरह से कार में तोड़फोड़ की बल्कि कार को सड़क पर पलट भी दिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार चालक को अरेस्ट कर लिया है। तो चलिए आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 जुलाई को कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां कांवड़ियों ने पुलिस की विजिलेंस की गाड़ी में जमकर तोड़ फोड़ की और उसे पलट दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले तो कांवड़ियों ने लाठी डंडे से गाड़ी में तोड़ फोड़ की, फिर कांवड़ियों की टोली ने पुलिस की गाड़ी को सड़क पर ही पलट दिया। गाजियाबाद में कांवड़ियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की गाड़ी ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और बीच सड़क पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा, तोड़फोड़ करते हुए पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। ये पूरा घटना गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोहाई रैपिड रेल स्टेशन के पास हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक कांवड़ियों की टोली हरिद्वार से जल लेकर आ रहे थे, तभी मेट्रो रैपिड पुलिस की गाड़ी के कांवड़ियों के पैर में टक्कर लग गए। मामूली टक्कर लगने से कांवड़िए आग बबूला हो गए। इसके बाद सड़क पर बवाल काटते हुए जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक कांवड़िए कांवड़ लेकर दिल्ली जा रहे थे। कांवड़ियों के उत्पात को सीएम योगी भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और कांवड़ियों को नसीहत देते हुए कहा कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। उन्होंने ये बात ANI से बातचीत में कहे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को अनुशासन में रहने की अपील भी की। कांवड़ियों की तरफ से पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने कई अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद में आज तो कांवड़ियों ने सारी हदें पार कर दी। कांवड़ियों के उत्पात का कई वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। वही हाल ही में कांवड़ियों ने उत्तराखंड के रुड़की में बवाल काटा था। यहां 23 जुलाई को कांवड़ियों ने ई रिक्शा के चालक को तो सबसे पहले जमकर पीटा, फिर उसके रिक्शा को लाठी डंडे से तोड़ डाला था। इस दौरान पुलिस कांवड़ियों को समझाती रही लेकिन उन्होंने पुलिस वालों की एक ना सुनी और वो बेबाक रिक्शा को तोड़ते रहे और अपनी मनमानी करते रहे। इस मारपीट में ई रिक्शा चालक बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।